أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو سفر فائدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين رواه مسلم رب شالي لي صدري ويسر لي امري وأهل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم كتاريف توصيف كبرياء يور عظمت وجلال كما الله وحده لا شريك जो हम सब का सारी कायनात का तनहा खालि को मालिक है वही लायक इबादत है उसके सवासारी इबादतें बातिल हैं दरुद्स जुम्ला अम्बिया कराम पर खूस सैदाविन आख्रीन इमामबिया सैदालमरसली खातन ननबी जना मोहम्मद रसोल सर और आपके आलौ पर मोहतरम हाजरीन माह मुबारक रमज़ानमबारक चल रहा है अल्लाह रबाल्ज़त की जिनके साथ तोफ़ी शामिल हाल है वो अल्लाह के इस फरीजे को अजीम फरीजे को जो रुकने इस्लाम है उसको अदा कर रहे हैं हमें ये पता है कि इस फरीजे को अल्लाह ने अगर हमारे ऊपर आयद किया है तो हमारे लिए बोझ नहीं है हम इसके मुकल्लफ हैं हम इसकी कैपेसिटी रखते हैं तभी अल्लाह ने इसको हमारे ऊपर फ़र्ज किया है लाकल्ल वो रब जो दुनियावी माओ के मुकाबले में सौ गुना ज़्यादा शफ़कत और मोहब्बत रखता हो अपने बंदों के साथ वो किसी को मशक्क़त में क्यों डाल सकता है ये रोज़ा सुबह सादिक से लेकर के गरूब शम्स तक जो हम रखते हैं हमारे पास उसकी कैपेसिटी है ताकत है जिनके पास ताकत नहीं है जो उसके मुतहमल नहीं हो सकते थे रब करीम ने उनको साइड में कर दिया है या तो दूसरे दिनों में रोज़ा रखने का उनका परमिशन दे दिया है चाहे मरीज़ हो मुसाफिर हो या ताकत नहीं रखते हैं तो उनको फिदिया देने का हुक्म दे दिया है रोज़े को उनसे साखित कर दिया है मेरे भाइयों हमेशा अपने रब के साथ फराइज की अदायगी में बेहतरीन गुमान रखें बेहतरीन गुमान रखेंगे ये सोचेंगे कि मेरा रब है मेरा खालिक है मेरा मालिक है उसने हमको पैदा किया है वो हम पर मेहरबान है वो रहमान रहीम है वो रऊफ़ है वो हमारे ऊपर सख्ती नहीं कर सकता है इन इबादतों की अदायगी में इंशाल्लाह क्या होगी आसानी होगी इबादतों की अदायगी में लज्जत मिलेगी और जो भी परेशानियां आएंगी उससे अल्लाह की कुर्बत का एहसास होगा हमेशा इस बात को मद्देनजर रखें इंशाल्लाह इबादत के अंदर लुत्फ मिलेगा एक चाशनी मिलेगी एक हलावत मिलेगी जिससे रब की कुर्बत आपको हासिल होगी ये माह मुबारक सिर्फ रोज़ा रखने के अयाम नहीं है यह तकवा की ट्रेनिंग के लिए है अल्लाह ने उसका मकसद बताया लाकुम तत्तकून ताकि तुम मुतकी बन जाओ इसीलिए ये ये महीना ये जाम इबादात है मेरे भाइयों हम इसके अंदर दिन के अंदर रोज़ा रखते हैं कुरान की तिलावत करते हैं सबक़ तो खैरात करते हैं अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखते हैं लोगों से बेहतरीन सलूक करते हैं लोगों को खिलाते और पिलाते हैं इफ्तार के नाम पर शहरी के नाम पर खानों के नाम पर लोगों के साथ उसे सलूक करते हैं लोगों की जरूरियात का ख्याल करते हैं रात में लेल करते हैं ज्यादा से ज्यादा कुरानी करीम की तलावत करते हैं मेरे भाइयों ये पूरा जामादात है महीना है हर किस्म की ट्रेनिंग देकर के ये रमज़ानमबारक हमको तकवा सिखाता है रब सेबत सिखाता है तात की बजाआवरी सिखाता है मनहियात से इजनाब सिखाता है लाकुम तत्तकून ताकि तुम मुतकी बन जाओ उन्हीं इबादत में से एक अहम इबादत कुरान करीम से कुर्बत भी है कुरान करीम की तिलावत के बारे में हम बारह हदीस सुनते रहते हैं अल्लाह के रसूल ने इशात फरमाया मिलेगा और यह अजर दस गुना मिलेगा अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी लाअुल्लामी मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप अलिफ मीम पढ़ते हैं तो यह एक हर्फ हुआ बल अलिफ़ उन हरफन व लाम उन उन व मीम उन उन बल्कि अलिफ एक हरफ हुआ लाम दूसरा हरफ़ हुआ मीम तीसरा हरफ़ हुआ अल्लाह तुरन के पढ़ने पर नकिया देता है आशा रज्लाना की रिवायत है कहती हैं कि रसूल करीम सल्ला वल्म ने शाह फरमाया जो कुर करीम को पढ़ता है और उसके अंदर अटकता है बबशक्क़त पढ़ता है फलाू अजरान उसको अल्लाह डबल अजर देता है अल्लाह क्या करता है उसको डबल अजय देता है कुरान करीम पढ़ने वाला शख्स यह कुरान करीम उसके लिए क्यामत के दिन सिफारिश करेगा हम लोग रोज़े की फजीलत में दोनों हदीसें साथ में सुनते हैं दोनों बातें साथ में सुनते हैं कि रोज़ा और कुरान दोनों क्या करेंगे अपने साहब के लिए क्या करेंगे क्यामत के दिन सिफारिश करेंगे यह कुरान भी सिफारसी होगा अपने पढ़ने वाले के लिए इक्र कुरान फईनिया शफी अल्लाकयामत क्यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले के लिए सिफ़ारसी बन करके आएगा मेरे भाइयों ये कुरान हमारे लिए रफे दर्जात का जरिया होगा कुरान से हाफिज कुरान से कुरान के बार बार पढ़ने वाले और अमल करने वाले को अल्लाह रबुल्ज़त क़यामत के दिन जन्नत के अंदर कहेगा इकरा वर्त कुरान को पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ वरत तिल कमा कुछ दुनिया और वैसा पढ़ो किरत के साथ ठहर करके जिस तरह दुनिया में पढ़ा करते थे इन इन द आखिर आयत तुम्हारा ठिकाना जन्नत में आखिरी आयत जहां तुम्हारी खत्म होगी वहां पर होगा और आपको मालूम है जन्नत के मनाजिल में सबसे आला मंजिला कौन सा है ऊपरी मंजिला इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा अल्लाह से जब जन्नत मांगो तो क्या मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो फ इन जन्ना वो जन्नत का सबसे ऊपरी हिस्सा सबसे आला क्वालिटी का हिस्सा है तो यहां पर कुरान करीम की ये फजीलतें हम लोग सुनते रहते हैं बार बार मेरे भाइयों जानते रहते हैं ये कुरान है क्या आज हम अगर कहें साफ लफ्जों में मेरे भाइयों जो हकीकत हम अपने अमल से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कुरान एक ऐसी किताब जिसको मुसलमान ब पढ़ता है लेकिन समझता नहीं कुरान एक ऐसी किताब जिसको ज्यादा दिंदों को जरूरत है लेकिन वो मुर्दों के लिए पढ़ी जाती है एक हकीकत है मेरे भाइयों आज हमारे यहां कुरान के नुस्खे कब्रस्तानों में रखे हुए हैं जाकर के कब्रों पर मखसूस सूरतें पढ़ी जा रही हैं मजलिसें लगती हैं मेरे भाइयों सैकड़ों लोगों की मजलिसें लगती हैं जिसका जितना पावर है जितना दम जिसके पास है उतना ज्यादा लोगों को जमा कर लेता है और अपने मरने वाले शख्स के लिए क्या करता है वो कुरान पढ़ करके बख्शवाता है जबकि उसकी एक भी सरी सही दलील मौजूद नहीं है विदात में से जिंदगी भर कुरान पढ़ने की बंदे को तोफीक नहीं हुई और उसकी तरफ से पढ़ने वाले सैकड़ों लोग हजारों लोग जमा है और कुरान पढ़ने विदात में से मेरे भाईयों कुरान कहां पढ़ा जाता है जिनोशयातिन का जिसके ऊपर अटैक हो गया है आमिलीन को बुलाया जाता है और वो सूरतों पर सुरते और आयतों पर आयतें पढ़ रहा है जोर जोर से घर पूरा जो है गूंज रहा कुरान क्या है और आम ऐयाम में लोग नमाजें छोड़ के सो रहे हैं रमजान में कभी खोल लिया तो खोल लिया तबर्रक के लिए वरना जो पूरा साल हमारा मुसाब जो है वो क्या बोलते हैं रेक में अलवारी में क्या पड़ा हुआ है वो ये हमारी हकीकत है मेरे भाईओं आज कितने हुफाजे कराम ऐसे हैं जो हमको तरावी पढ़ाते हैं हमारी पंचवक्ता नमाजों की इमामत करते हैं लेकिन उनको कुरान की एक सूरत का सही तर्जमा नहीं मालूम है सिर्फ उन्होंने हिफ्ज किया है यह कुरान करीम अल्लाह की किताब है मेरे भाइयों और यह किताब अल्लाह ने नाजिल की है तबर्रुक के लिए ही नहीं बाबरकत यकीनन है तबर्रुक इसके नजूल का मकसद नहीं है इस किताब को अल्लाह इज़्ज़त ने मुत्तकीन के लिए हिदायत का सामान बनाया है कुरान करीम जब हम शुरू करते हैं सूरह फातिया के बाद मीम शुरू करते हैं पहला पारा ज़ालिकल किताब ला रही हुदल हिल मुत्तकीन ये वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा डाउट नहीं ये मुत्तकीन के लिए हिदायत अल्लाह ने सूरह बकरा में कहा जहां पर दूसरे पारे के अंदर जहां पर अल्लाह इज्जत ने रोजे के अहकाम बयान किए अल्लाह ने कहा शाहरु रमानुरज़ान ही का महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया इसकी तफसीर में दो कौल बयान किए जाते हैं पहला कौल ये कि महफूज से आसमान दुनिया पर पूरे कुरान करीम का नजूल हुआ रमजान ही के महीने में वो भी कद्र में मुबारक में और दूसरा यह कि इसी रात कुरान करीम के नजूल की इब्तदा अल्लाह के वसल्लम पर हुई शाहरु रमजान रमजान ही का महीना है इसमें कुरान करीम नाजिल किया गया हद्स यह कुरान है क्या लोगों की हिदायत का सामान है वहां पर अल्लाह ने क्या कहा शुरू में शुरु बकरा के हजलमुुत्तकीिन क्योंकि खास फायदा किसको पहुँचता है मुत्तियों को वो पढ़ते जाते हैं इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उस पर अमल कर सके उसको उससे अपनी जिंदगी को मनवर कर सके इसीलिए पढ़ते हैं यहां पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल करने का मकसद बताया सारी इंसानियत के लिए टोटल आलमान कांड के लिए अल्लाह ने क्या किया इसको हिदायत का सामान बना करके भेजा हजल नास वो भाई यह नातमिनदा और हिदायत की चीज़ों को खोल खोल करके दलाइल के साथ क्या करता है ये कुरान बयान कर देता है व फुरुर्कान और ये वो किताब है जिससे हक को बातिल वाज़े हो जाता है हक हक है उसकी हक्कानियत वाज़े हो जाती है और बातिल का बुतलान वाजे हो जाता है ये वो किताब है फुरान मेरे भाइयों अल्लाह ने इस आयत करीमा को शुरू ही किया है शाहरु रमज़ानुरान रमज़ान का कुरान करीम के साथ कितना गहरा ताल्लुक है कितना गहरा ताल्लुक है हमें सोचने की जरूरत है यह माह मुबारक आया हुआ है हम में से कितने भाई ऐसे जिनको कुरान पढ़ने की तोफ़ी नहीं होती है और अक्सर भाई ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ने की तोफ़ी तो होती है पूरा रमजान वो कुरान एक मरतबा दो मरतबा तीन मरतबा चार मरतबा पांच मरतबा हमने देखा है बाद बालू दस दस मरतबा कुरान खत्म करते हैं वो हर तीन दिन में कुरान खत्म करते हैं अल्लाह की तोफ़ी है खत्म करें आप अल्लाह तकी आपको सवाब देगा क्योंकि आपकी नीयत सही है लेकिन क्या कुरान करीम के नजूल का मकसद हम हासिल कर रहे हैं हरगिज नहीं कुरान करीम के नजूल का यह मकसद नहीं है कुरान करीम हिदायत है इसके लिए मुतकीयों के लिए सारी इंसानियत के लिए सारी दुनिया वालों के लिए लिल नजलमी नजीरा बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरतान को अपने बंदे जना मोहम्मद रसूल पर नाजिल फरमाया किस लिए नाजिल फरमाया ताकि यह किताब सारे जहान वालों के लिए नजीर बन जाए डराने वाली किताब बन जाए सारे जहान वालों के लिए किसी मखसूस खिते और इलाके के लिए नहीं किसी मखसूस कंट्री और मुल्क के लिए नहीं सारे जहान वालों के लिए बल्कि ये तो इंसानों ही के लिए नहीं जिन्हों के लिए भी अल्लाह ने क्या किया इसको हिदायत का सामान बना करके भेजा है आप नबी सकलेन करार पाए हैं जिन और इन दोनों के नबी हैं मेरे भाइयों इस किताब को अल्लाह इज़्ज़त ने अगर हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया है इस माह मुबारक में नाजिल किया है इस किताब के साथ इतना तवज्जो करने की मजीद जरूरत है ज्यादा सख्त जरूरत है कि कुरान करीम से अपना लगाव इस माह मुबारक में लगाएं लगाव किस तरह होना चाहिए हम अपने आप को अहल हदीस बोलते हैं और अपने आप को अहल सुन्ना वल जमा बोलते हैं मुराद क्या किताब सुन्नत की फहम सल्फे साले की फहम के हिसाब से और सल्फे सालेहीन में कौन है पहला गिरोह साहब के राम ताला तिम अजमीन का है सर हम देखते हैं कि हमारे असलाफ में से पहले गिरोह जिनके ईमान को अल्लाह ने मार दिया मेयारे हक करार दिया है और यह कहते हुए फिन आम अनु बिही फ़कद फको अगर लोग वैसा ईमान लाते हैं जिस तरह नबी के साहबा तुम ईमान लाए हो तब लोग हिदायत पाएंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिन करार दिया है मोम उशाक रसूल अमिम्बाद ईमा तबयना लहुल हुदा तभी जो रसूल की मुखालफत करेगा हिदायत के वाजे होने के बाद और मोमिनों के रास्ते के अलावा की इतवा करेगा अल्लाह ने उनको हक करार दिया है देखें उनका कुरान समझने का क्या मैार था अब्दुल्ला ने मसूद रजियला कौल है जो अक्सर उसूल तफसीर लिखने वाले जिक्र करते हैं कहते हैं न्ना नम अशर आया तम रसुल्ला हम दस आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे फलम न त जावज भी हम उनसे आगे नहीं बढ़ते थे हत् न हुन्ना व न अमल हिन्ना यहां तक कि उन्हें याद भी कर लेते थे और उन पर अमल भी कर लेते थे कुरान को याद करने के साथ साथ अमल भी चलता था आपको मालूम है एक वाक पर अल्लाह के रसूल रसुल सत्तर साहबे के नाम धोखे से शहीद कर दिए गए जो सब के सब कुर्राए कुरान थे हमारे यहाँ कुर्रा किसे कहा जाता है जो अच्छी तरह करत से कुरान को पढ़ता है उसको कारी बोलते हैं हम उसकी जमा कुर्रा आती है किसे कहते हैं जो अच्छी तरह याद किया हुआ हो कुरान को उसको हम हाफिज बोलते हैं उसकी जमा जमाज बोलते हैं लेकिन कुर्रा साहब कराम के जमाने में किसे कहा जाता था जो कुरान करीम को याद भी रखते थे और उसके आलिम भी थे उसके आलिम भी थे उनको कुर्रा कहा जाता था सिर्फ हाफिज होने के माना कारी और क्या बोलते हैं कुर्रा नहीं होता था अगर कहा जाता हुआ आ कराउ नाली किताबिल्ला या हुआ कार्य मतलब हुआ आलमुना भी किताबिल्ला का, कुरान का सबसे ज्यादा क्या है वो जानने वाला है तो मफूम तसाव एक राम के हाँ कि अगर कोई आदमी कुरान करीम को पढ़ता था तो सिर्फ कुरान करीम की तिलावत के लिए उसको नहीं पढ़ता था बल्कि कुरान करीम को समझने के लिए उसको पढ़ता था कुरान करीम से अपनी अमली जिंदगी को मनवर करने के लिए कुरान करीम को पढ़ता था अब्दुल्ला अब्बास रजी अल्लाह कुरान करीम की इस तफसीर में कहते हैं आतना किताब ये हक का तिलावती जिनको हमने किताब दी है वो उसकी तिलावत करते हैं जैसे उसकी तिलावत का हक है जैसे उसकी तिलावत का हक है इसकी तफसीर में सैयदुल अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला रजील्ला कहते हैं हक इतबाही कुरान करीम की इतबा करते हैं जिस तरह उसकी इतबा का क्या है हक है सिर्फ पढ़ना मकसूद नहीं है क्या करना है तिलावत मकसूद नहीं है तिलावत के साथ साथ क्या मकसद उसका उस पर अमल मकसूद है उस पर क्या है अमल मकसूद है हस्तान तआला का एक मशहूर कौल है जिसको रहमुल्ला ने के अंदर जिक्र किया है कहते हैं इदा करा सूरत बकरा व आला इमरान जल लफी आयुन अगर कोई आदमी हमें से सूरह बकरा पढ़ लेता अल्लाह के रसूल वसल्लम से सूरह बकरा पढ़ लेता और आले इमरान पढ़ लेता दो अतवल सूरतें लंबी तरीन सूरतें कुरान करीम की और बितरतीब सूरे फातिया के बाद सूर बकरा सूर आल इमरान मसाइल से भरी हुई हैं, हमतों से भरी हुई है सूरतें है। कहते हैं जब कोई आदमी हमे का सुर बकरा सुर आल इमरान पढ़ लेता उसकी हैसियत हमारे माशरे में क्या रहती जल लफी आयु नहीं ना वो हमारी निगाहों में उसका मकाम बुलंद तरीन हो जाया करता था हम समझते थे कि अल्लाह ने इसको अब इल्म दे दिया है इसके पास कुरान का कसीर इल्म मौजूद है सिर्फ याद करके नहीं मेरे भाई उसको पढ़ करके समझ करके अहकाम पर नजर रख करके अमली जिंदगी में उसको दाखिल करके कुरान की अजमत का यही हक है सिर्फ पढ़ना नहीं अगर हम कुरान को सिर्फ पढ़ने के हद तक जानते हैं उसके माने मतालिब पर हमारी नजर नहीं है और होता यह है हकीकत यही है मेरे भाइयों, होता यह है कि कुरान करीम को हम पढ़ते हैं शोर फातिया पढ़ते हैं हर नमाज में हर रकात में पढ़ते हैं लेकिन में से बाज हमारे भाई बेचारे शोर फातिया का मतलब नहीं जानते हैं अल्लाह रब्बुल इजत की कदर करना नहीं जानते हैं दावा करते हैं नमाज में आते हैं मस्जिद में आते हैं दावा करते हैं इिया का ना अब ईया का अरे मेरे मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं सिर्फ तुझे से मदद मांगते हैं और जब मस्जिद के बाहर निकलते हैं तो गैरुल्लाह के सामने ये पेशानियां झुकती हैं उनके रुको सजदे गैरुल्लाह के लिए होते हैं उनकी नजरों न्याज गैरुल्लाह के लिए होती हैं उनके चढ़ावे नौजबिल्ला गैरुल्लाह के लिए होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि हमने समझा ही नहीं है या कदैया के नस्ते का मतलब क्या है हमें नहीं पता है पढ़ते तो समझते माने मफूम के साथ जानते तो समझते और जब समझते तो उसके मुताबिक क्या करते सोचते कि रब के सामने तो हम इकरार करते हैं मौला तेरी ही इबादत करते हैं तुझ ही से मदद तलब करते हैं और पीठ पीछे गद्दारी क्यों हो रही है क्यों बेवफाई हो रही है रब के साथ नहीं होता क्योंकि समझते नहीं है हमारे यहां कितने मामले हैं कुरानी احکامات کے خلاف فرضیاں ہوتی ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا जिनसे आप पूछे भाई कुरान पढ़ते हो बोलेंगे हाँ मैं हर महीना जो है दो कुरान खत्म करता हूं तीन कुरान खत्म करता हूं तो हर महीना आम दिनों में भी लेकिन उसने बाप को अपने घर से निकाल रखा है मां को अपने घर से निकाल रखा है पड़ोसियों से उसके झगड़े हैं रिश्तेदारों से उसकी बैठती नहीं है ऐसा क्यों है क्योंकि कुरान की तालीम से ना बलद है वो कुरान पढ़ तो रहा है समझ नहीं रहा है अगर कुरान करीम पढ़ता होता तो अल्लाह के हक के साथ अल्लाह की मार्फत के साथ वो वालदेन के हकूक की भी मार्फत रखता करावत दारों की भी मार्फत रखता पड़ोसियों की भी मार्फत रखता और इनके हकूक को भी अदा करता लेकिन पढ़ रहा है समझ रहा अल्लाह तला हमें सवाब दे रहा है एक हर पर दस दस निकियां मिल रही हैं कुरानी करीम के इतने हरूफ हम पढ़ रहे हैं इतने लाख इतनी करोड़ लेके हमारे उसमें हर हफ्ते जमा हो रही है लेकिन मेरे भाइयों अमल से कोरा है अमल से क्या है हो रहा है कुरान तुम्हारे लिए अगर हुज्जत बनेगा तो तुम्हारे खिलाफ भी हुज्जत बनेगा अगर उस पर अमल नहीं होगा तो हो। ये नोट करके रखिए आज हम रोना रोते हैं मेरे भाइयों मैं एक बात बता करके आगे बात करूंगा कि आज तरीका क्या है अगर हमारे कुरान पढ़ना ही आता है और हमें समझना नहीं आता है समझने का तरीका क्या होगा मेरे भाइयों कुरान करीम का तर्जमा मोतबर तर्जमा खरीदिए आप मोतबर सलफ की तफसीरें खरीदिए घर में रखिए आप रोजाना अगर एक पारा कुरान पढ़ते हैं तो आप चार सफा सफाही तर्जमा तफसीर के साथ कुरान करीम को पढ़िए मिशन बना लीजिए रमजान में खसूस मिशन बना लीजिए कि पूरा रमजान इनशा अल्लाजीज मैं कुर करीम को उसके तर्जमे और उस सही तफसीर के साथ यहाँ पर एक नुकता याद रखिएगा हमारे बहुत से भाई ये सोचते हैं कि सिर्फ कुरान करीम ही हिदायत है और उसके लिए अल्लाह के रसूल सलम के हदीसों को साइड में लगा देते हैं अल्लाह के रसूल रसुलसलम कुरान के मिम्म थे कुरान के मुफस्सिर थे आपकी पूरी जिंदगी आपकी पूरी हयात तय्यबा मेरे भाईयों यह कुरान की अमली तफसर है हम आपकी सीरत को आपकी अमल को आपके कौल को आपके हदीसों को साइड में रख करके कुरान करीम को समझेंगे कुरान करीम हमें समझ में नहीं आएगा इसीलिए अम्मा आयशा रूछा कई फकान खुलक नबी सल्लाम अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है जो कुछ कुरान में वो अल्लाह के नबी वम के अखलाक थे तो मेरे भाइयों हदीस रसूल के बगैर उससे एतराज एराज करते हुए उससे करते हुए कुरान को समझना या अपने आप को जलालत में डालना है इसीलिए लिए ये फ़िकरा जिन लोगों के पास है सोच लें कुरान का मुअल्लिम कुरान का मुफसर कुरान की पहली तफसीर तो करने वाला हमारा नबी है और उसकी हदीसों को अगर हम नहीं लेंगे तो कुरान के समझने के लिए उसकी सीरत को सामने नहीं रखेंगे आपके किरदार को सामने नहीं रखेंगे आपके अकवाल को सामने नहीं रखेंगे तो कुर करीम हमारे पास नाकिस रहेगा इसीलिए सही तफसीर जो है आप चुनिए और उसको पढ़िए घर में उसके पढ़ने का माहौल बनाइए और क्या आयतें पढ़ी जा रही हैं उस पर समझ करके अमल करने की कोशिश कीजिए इन हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आएगा ये किताब किताब हिदायत है ये शिफा है ये हमारे लिए नूर और रोशनी है अगर यही कुरान पढ़ करके अरब के बदू एक तरक्की याफ्ता कौम बन गए तो सिर्फ याद करके पढ़ करके नहीं बने हूँ उन्होंने उसको अपनी अमली जिंदगी में दाखिल किया और इस कानून को उन्होंने दुनिया में नाफिज किया तब जा करके है तब जाकर के वो तरक्की याफ्ता कौम बने हैं सिर्फ पढ़ने से सिर्फ जो है क्या बोलते हैं याद कर लेने से बात बनने वाली नहीं है इसका नूर अगर घरों में दाखिल करना है अमल में दाखिल करना है तो उसको समझ करके पढ़ना होगा ये मिशन बनाइए सिर्फ रमजान में खसूस मैं कह रहा हूं रमजान ही नहीं पूरे साल अपने घर में मिशन बनाइए बाल बच्चों को लेकर के बैठे और उनसे पढ़वाएं पूछे भाई क्या पढ़ा गया है क्या समझा आपने और अपने अमल को उससे मैच करें कि देखें कि कुरान के मुताबिक हमारा अमल कितना है हम रोना रोते हैं मेरे भाइयों कि उम्मत मुसलमा पर जिल्लत और पस्ती तारी है उसका इलाज किससे होगा मैं कहूंगा आज के इस खुतबे में तो उसका इलाज कुरान पर अमल करके होगा अल्लाह ने उसका इलाज यही बताया है एक हदीस बयान करूंगा उसके बाद कुरान की चंद आयतें पढ़ करके अपनी बात को खत्म करूंगा हज़ते उमर रजी अल्लाह तआला का जमाना था उनकी खिलाफत का जमाना था मक्के पर उन्होंने नाफे इब्ने अब्दुल हारिस को अपना गवर्नर मुकर किया था आमिल मक्का थे वो एक मरतबा हजत उमर रजी अल्लाह ने अचानक दौरा किया और नाफे बिन अब्दुल हारिस जो मक्का के गवर्नर थे अल अलखजाई मक्का के कबीले के, के थे कुरशी थे थे उनको खबर लगी कि हजरत उमर जो है वो दौरे के लिए आ रहे हैं इस्तबाल के लिए वो मक्का में उस्फान तक निकल आए मक्के के बाहर चले आए कि हमारे अमीर आ रहे हैं अमीर उमोमिन आ रहे हैं उनका इस्तेवाल करना चाहिए लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तुनों को यह कतान पसंद नहीं था कि कोई आपका बाहर आकर के इस्तेवाल करे शहर छोड़ करके अपना काम छोड़ करके इस्तेवाल करे जब मकाम में उफान में उन्होंने देखा तो कहने लगे कि नाफे तुमने मक्का के अशराफ पर अपना नायब किसको को मुकर किया है अगर तुम मक्के से बाहर हो तो तुम्हारा कोई नायब वहां हो होना चाहिए जो तुम्हारी ड्यूटी पूरी करे कौन है उन्होंने कहा या अमीर अमीरमोमिन हमने इबन अफ्जा को अपना नायब मुकर्र किया है कहा यह इबन अफजा कौन है कहा ना <गंगाँ> <मौलम्यम्णाँ> हमारे आजाद करदा गुलामों में से एक गुलाम है कौन है आजाद करदा गुलामों में से एक गुलाम है हजरत उमर रजील्ला ने कहा कि अजीब मामला है मक्का के अशराफ पर तुमने एक गुलाम को अपना नायब मुकर्र कर दिया है यह तो जुल्म की बात है तब हंस नाफे ने कहा कि नहीं ऐसा मामला नहीं है मामला यह है हुआ वह अक्रली किताबिल्लामी किताब वह कि वह हमें किताबुल्लाह का सबसे बड़ा आलिम है वह आलम नबिल फराइज और अक्री किताब व आलम नबिल फराइज वह किताबुल्लाह का सबसे बड़ा जो है क्या बोलते हैं कारी है और साथ में क्या है वो फराइज का सबसे बड़ा जानकार है फराइज आप जानते हैं मीरास का जो इल्म है ऐसा क्यों जो, क्यों जरूरत पेश आती है कि अगर कोई गवर्नर बन रहा है कहीं हाकिम बन रहा है तो उसको फराइज का इल्म होना चाहिए आज अपने यहां अगर आप अदालतों के मामला देखेंगे अदालतों में कोर्ट कचहरी में और हमारे यहां इफ्ता में भी दारुल इफ्ता में भी मामला किसके आते ज्यादा जायदाद के वरासत के प्रापर्टियों के इन्हीं सब के मामला आते हैं उन्होंने कहा अमीरुल उलमोमिन वो हमें किताबुल्लाह का सबसे बड़ा आलिम और कारी है फराइज का सबसे बड़ा जानकार है हजत उमर रजियाल्ला ने यह सुन करके रो पड़े क्यों रोए एक आजाद करता गुलाम सिर्फ अल्लाह की किताब की इल्म की के इल्म की बुनियाद पर फराइज के इल्म की बुनियाद पर शरीयत के एक अहम मसले के इल्म की बुनियाद पर अल्ला ने उसको इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि मक्के के अशराफ उस मकाम तक नहीं पहुंच सके कहने लगे लकद कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ला सल को कहते हुए सुना था कुरान के जरिए कुछ लोगों को रिफात और बुलंदी अदा करेगा और इस कुरान को तर्क कर देने की वजह से अल्लाह दूसरे लोगों को जिल्लत पस्ती में डाल देगा मेरे भाइयों बात बरहक है आज हमारे यहां जब उलमा का अमल कुरान पर नहीं है हुफाज का अमल कुरान पर नहीं है हम आवाम की क्या गारंटी दे इसीलिए अगर मामला को बदलना है हालात को सही रुख पर ले जाना है जिल्लत की जगह इज्जत पानी है और पस्ती की जगह रिफात हासिल करनी है तो कुरान करीम से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा और कुरान करीम से लव लगानी पड़ेगी कुरान करीम को समझ करके पढ़ना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा चंद आयात सूरतहा की आपके सामने मैं तलावत करता हूं उससे यह मफहम बिल्कुल आपके सामने वाज हो जाएगा अल्लाह रबुल्ज़त ने वाक्य जिक्र किया है हजत आदम व होवा के जन्नत के उस ममन फल को खा लेने का उसके बाद में अल्लाह ने इर्शाद फरमाया एक सौ बाईस नंबर की आयत से है काला बेता मिनह जमिया अल्लाह ने आदम और हवा दोनों को कहा तुम दोनों जन्नत से निकल जाओ बाद लिबादिन अदू जब दुनिया में जाओगे तो तुम्हें का बाज बास का दुश्मन रहेगा आज हमारे यहां लड़ाइयां झगड़े कत्ल गारत गरी खून फसाद होते रहता है बाद लिबादिन अदू फा यानी हदा अल्लाह ने इलाज बतलाया तुम में से जिसके पास मेरी तरफ से हिदायत आ जाए कुरान आया हिदायत है उससे पहले किताबें अल्लाह नाजिल की थी वक्त के लिए क्या वो हिदायत थी हुदा तुम में से जिसके पास मेरी तरफ से हिदायत आ जाए फमन तबा हुदा या फला जो मेरी हिदायत की इतबा कर लेगा इतबा करना अमल कर लेना ना वो गुमराह होगा ना बदबख्त होगा गुमराही जलालत और शकावत बदबختی उसके हिस्से में कभी नहीं आएगी उसके बाद में अल्लाह ने बयान किया अगर कोई इस डगर से हटा क्या कहा वमन आ अन जिक्री जो मेरे जिक्र से एराज करेगा ये कुरान मेरे भाइयों क्या है ये अल्लाह का जिक्र है वमन आ अन जिक्री जो मेरे जिक्र से एराज करेगा रुकाता नहीं करेगा मुंह मोड़ेगा फिन का उसकी जिंदगी इंतहाई तंग होगी उसकी जिंदगी इंतहाई तंग होगी वना शुरू हो योम कयामती आमा दुनिया जिंदगी तो तंग थी कयामत के दिन ऐसे लोगों को अल्लाह अंधा उठाएगा वना शुरू हो योमल कयामती आमा ऐसे लोगों को मैदान हश्र में हम अंधा जमा करेंगे काला रबिमा हशर ती आमा वो कहेगा परवरदिगार मुझे अंधा क्यों जमा किया अंधा क्यों उठाया बसीरा जबकि दुनिया में मेरी निगाहें थी मैं देख रहा था अतत का आया कहेगा के दिन, इसी तेरे पास मेरी आयत आई फनसी तूने उन आयतों को भुला दिया उन पर अमल नहीं किया वह कजा अली का लियो मत तुन सा आज के दिन इसी तरह तुझे भी भुला दिया जाएगा आज के दिन तुझे इसी तरह भुला दिया जाएगा मेरे भाइयों हम जो है इन आयत करीमा से समझ सकते हैं कि इज्जत किसमें है और जिल्लत किसमें है अच्छा अंजाम किसमें है बुरा अंजाम किसमें है इस माह मुबारक में माह कुरान में कुरान से लव लगाइए पढ़िए समझ करके पढ़िए और पूरे साल कुरान करीम को पढ़ते रहिए समझ करके इसलिए उस पर अमल करना यह अमल की किताब है ये रोशनी की किताब है ये हिदायत की किताब है ये जन्नत में ले जाने वाली किताब है ये जहन्नम से निजात दिलाने वाली किताब है कब <गश्चेण> 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 जब उसके मुताबिक हमारा अमल होगा रब करीम से दुआ है कि रब करीम इस कुरान करीम को हमारे दिलों की बाहार बना दे हमारे बीमारियों का इलाज बना दे हमें जलालतों से निकलने का जरिया बना दे रब करीम इससे हमें वो इज्जत अता कर कि दुनिया में भी इज्जत से मालामाल हो जाए और आखिरत में भी हमें जन्नत का परवाना मिल जाए إلا رب الزت حمد جب تک زندہ إيمان پر قائم دائم رکھ جب إيمان پر پره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وَنَفَانِي وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر روف رحيم ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान